Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 7th of September 2020, Monday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is, a little progress each day adds up to big results. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Revised tax pacts, MNCs to tax departments. COVID-19-led economic disruption ki wajah se कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जिन्होंने इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ में बहुत सारे APAs साइन किए हुए थे, उन APAs को रिवाइज़ करने के लिए बोला है. क्यों? क्योंकि COVID-19 पैंडमिक की वजह से बहुत सारे जो इकोनॉमिक सेक्टर्स थे वो क्लोज डाउन रहे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हुई, बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बिजनेस इंपैक्ट हुए, जिसकी वजह से COVID-19 से पहले जितने भी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स किए गए थे, अगर कंपनीज उनके अकॉर्डिंग टैक्स पेमेंट करेंगी तो दैट विल बी वेरी बिग फाइनेंशियल बर्डन फॉर ऑल MNCs. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि COVID-19 से पहले जितने भी APA साइन किए थे मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ में, वो सारे एग्रीमेंट्स इस सिचुएशन को ध्यान में रख करके, इस फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को ध्यान में रख कर किए गए थे कि आगे आने वाली सिचुएशन है वो नॉर्मल रहेगी, इकोनॉमी उसी प्रोग्रेस से बूस्ट करेगी या ग्रो करेगी. COVID-19 जैसा कोई पैंडेमिक आएगा और उस पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा डिसरप्ट होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा अफेक्ट होगी कि इंडिया में स्टैगफ्लेशन जैसी कंडीशन आ जाएगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी. तो इस सारे क्लॉज को उन सारे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स जो साइन किए थे MNCs ने, उसमें नहीं इंक्लूड किया गया था. नॉर्मल ग्रोथ या हाई ग्रोथ के प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग सारे APAs किए गए थे. अब चूंकि COVID-19 led इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन आया, उसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटीज़ अफेक्ट हुई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई, बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी लो वैल्यूएशन की स्टेज में है. तो इस स्टेज में जहाँ की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, उस कंडीशन में एडवांस जो पहले साइन किए हुए APAs थे, अगर उनके अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा तो दैट विल बी द एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन ऑन ऑल दोज MNCs. दैट इज़ वाई दिस हैज़ रीओपन द सेवरल स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स दैट मल्टीनेशनल कंपनीज हैव साइन विद इंडियन टैक्स अथॉरिटीज. देयरफॉर नंबर ऑफ कंपनीज आर रीचिंग आउट टू CBDT. CBDT स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस. तो जो सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास नंबर ऑफ कंपनीज रीच आउट कर रही इन ऑर्डर टू गेट द क्लैरिटी ऑन द ऑल रिवाइज्ड APAs. APAs स्टैंड्स फॉर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट. अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को APAs के बारे में ना पता हो, तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि एक्चुअली ये APAs होते क्या हैं. सो एन APA इज अ कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली फॉर मल्टीपल ईयर्स बिटवीन अ टैक्स पेयर एंड at least one tax authority specifying the pricing method that the taxpayer will apply to its related company transaction. तो एक contract होता है जो एक taxpayer और एक tax authority के बीच में होता है. It may be for multiple years as well, जिसमें दोनों ही parties ये बैठ कर decide करती हैं कि which pricing method that particular taxpayer will apply to its related company transaction. Means taxpayer अपनी ही subsidiaries company से, अपनी sister company से जो भी business करेंगे, जो भी transaction करेंगे, उन transactions के लिए कौन सा pricing method use करेंगे, ताकि future में transfer pricing को लेकर के कोई dispute अराइज ना हो. तो अगर हम बहुत सिंपल टर्म में बोले तो हम ये कह सकते हैं, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज एन प्रोग्राम दैट अलाउ द टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटी टू अवॉइड फ्यूचर ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट्स बाय एंटरिंग इनटू अ प्रोस्पेक्टिव एग्रीमेंट. तो टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी पहले ही ये बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि अगर टैक्स पेयर अपनी सिस्टर कंसर्न कंपनी से या अपनी सब्सिडरी से कोई भी बिजनेस करता है तो कौन सा प्राइसिंग मैकेनिज्म अडॉप्ट करेगा, और उसी प्राइसिंग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन होता है. कि कई सारी कंपनीज ट्रांसफ़र प्राइसिंग को लेकर के या अपनी सब्सिडरी से जो बिजनेस करती हैं, सिस्टर कंसर्न कंपनी से जो बिजनेस करती हैं, उसको लेकर के बहुत सारी टैक्स एमिशन प्रैक्टिसेस या टैक्स शिफ्टिंग या प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रैक्टिसेस
यूज़ कर लेती हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द टैक्स टैक्स एमिशन के लिए इस तरह की प्रैक्टिसेस, ट्रांसफर पॉलिसी, ट्रांसफर प्राइसिंग, प्रॉफिट और बेस इरोजन प्रैक्टिसेस, इस तरह के प्रैक्टिसेस यूज़ करती हैं। तो ऐसा कोई डिस्प्यूट फ्यूचर में अराइज हो, इससे पहले ही कंपनी टैक्स अथॉरिटी से मिलकर बात कर लेती है कि भाई हम इस पर्टिकुलर प्राइसिंग मेथड से अपनी खुद की कंपनी से प्रोडक्ट खरीदेंगे या उनको बेचेंगे और इसी प्राइस पे हम के बेस पे कैलकुलेशन टैक्स का होगा और हम टैक्स पे करेंगे ताकि फ्यूचर में इस चीज़ को रिलेटेड लेकर के कोई डिस्प्यूट ना हो। सो दीज शॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स आर डिज़ाइन टू हेल्प द टैक्स पेयर्स वॉलेंटरी रिजॉल्व एक्चुअल और पोटेंशियल ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट इन अ प्रोएक्टिव मैनर, इन अ प्रोएक्टिव एज वेल एज इन कोऑपरेटिव मैनर। API gives certainty to taxpayer, reduce disputes, enhance tax revenues, and make the country an attractive destination for foreign investment. And these agreements would be binding on both taxpayers as well as the government. Similarly, they lowers the complaint as well as the litigation cost. तो उसके बहुत सारे benefits हैं जिसकी वजह से कई सारी MNCs जो हैं वो Indian tax authorities basically CBDT से पहले ही API sign कर लेती हैं, जिससे कि फ्यूचर में उन्हें टैक्स पेमेंट या ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी को लेकर के इस तरह के कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो। अब चूंकि COVID-19 की सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से कई सारे अनअकाउंटेड फैक्टर्स जो कि पहले अज्यूम नहीं किए गए थे, पहले हाइपोथेसाइज नहीं किए गए थे, वो अब इनकाउंटर्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स पहले हुए थे अगर उनको अब फॉलो किया जाएगा तो इट मे लीड्स टू अदर फाइनेंशियल बर्डन ऑन MNCs। सो ऑल द क्रिटिकल अजम्पशंस एंड प्रीसेट मार्जिन्स हैव बिकम इररिलेवेंट ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्टर लाइक रीलोकेशन ऑफ पर्सन, सप्लाई चेन डिसरप्शन, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, चेंज इन असेट डिप्लॉयमेंट, रिस्क अज्यूम्ड, इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो भी कैलकुलेशंस किए थे MNCs ने फॉर देयर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स वो सारे अब इररिलेवेंट हो गए। दैट इज़ वाई ऑल MNCs आर रिक्वेस्टिंग एंड डिमांडिंग द क्लैरिफिकेशन ऑन द रिवाइज एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट बाई डायरेक्ट टैक्स बोर्ड। ऑन द अदर हैंड टैक्स अथॉरिटीज़ का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका ये कहना है क्योंकि ये सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म के हुए हैं, लॉन्ग टर्म इन नेचर है, ये कोई एक या दो साल के एग्रीमेंट्स नहीं हैं, तो इन सारे एग्रीमेंट्स से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है और ऐसी कंपनीज जिन पर अफेक्ट पड़ा है तो गवर्नमेंट उन सारी कंपनीज को स्पेशली केस टू केस बेसिस पर एग्जामिन करेगी अगर कंपनी कोई सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करती है जिसमें कोई स्पेसिफिक चेंज की वजह से उनके API में ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो टैक्स अथॉरिटीज़ का ये कहना है चूँकि API लॉन्ग टर्म के होते हैं इसलिए COVID-19 का इतनी जल्दी इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा APAs पर। Even if there are any specific change that a company have documented, then government is ready to examine it on case-to-case basis. फिर भी कंपनी या कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका ये कहना है दैट द गवर्नमेंट शुड इशू अ डायरेक्टिव ऑन द नोटिफिकेशन ऑफ APAs ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक टेकिंग इंटू अकाउंट द स्ट्रेस एंड द इकोनॉमिक सिचुएशन। और स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर और IT एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल स्पेस की जो कंपनीज हैं उनका ये कहना है कि बिकॉज ऑफ द COVID-19 देयर सप्लाई चेन एंड देयर बिजनेस मॉडल्स हैव बीन अफेक्टेड विग्रेसली, दैट इज़ वाई देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड टू ऑल्टर द और टू रिवाइज द ऑल APAs। जस्ट लाइक मुकेश भूटानी मैनेजिंग पार्टनर ऑफ BMR लीगल सेट विद मोस्ट सेक्टर एक्सेप्ट IT इम्पैक्टेड देयर हैड बीन इंस्टांस वेयर API अथॉरिटीज हैड बीन अप्रोच्ड फॉर रिविजन एंड केस बाई केस अप्रोच इज बीइंग अप्लाइड। जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि केस टू केस बेसिस पर गवर्नमेंट इस बात को एग्जामिन करेगी वेदर देर इज़ अ नीड टू रिवाइज द APAs और गवर्नमेंट और द टैक्स पेयर कैन कंटिन्यू विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और द प्रीवियस APAs. APAs can be unilateral, can be bilateral and can be multilateral as well. So mutual agreement procedure MAP के ज़रिए अगर बहुत सारे taxpayer authority या बहुत सारे taxpayer या tax paying authorities या tax authorities agreement में आती हैं that is called as multilateral APAs. तो ये हम देख सकते हैं financial year 2013-14 से लेकर financial year 19 तक गवर्नमेंट ने कितने यूनिलैटरल APAs साइन किए और कितने bilateral APAs साइन किए इन ऑर्डर टू फिक्स द एडवांस प्राइसिंग mechanism और ट्रांसफर प्राइसिंग mechanism बाई ऑल MNCs। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1, रियलिटी चेक फॉर स्टॉक मार्केट आफ्टर ड्रीम रन।
After a relentless run, stocks are set for the reality check as investors evaluate how much the market can be devoid of economic fundamentals. Recently, stock market ne bahut zyada hike dekhne ko mil raha tha, but on Friday, equity posted their biggest weekly drop since May. So, May ke baad se jo sudden पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को स्टॉक मार्केट में मिल रहे थे, फाइनली वो पॉजिटिव डेवलपमेंट रियलिटी चेक में कन्वर्ट हो गया एंड बेंचमार्क सेंसेस एंड निफ्टी ड्रॉप नियरली 3% एमिड द शार्प सेल ऑफ इन टेक्नोलॉजी स्टॉक इन द यूएस. तो यूएस के टेक्नोलॉजी स्टॉक में जो सेल ऑफ की सिचुएशन आई, उसकी वजह से इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी में अप्रॉक्सीमेटली 3% का ड्रॉप देखा गया. बोथ फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वर पुलिंग बैक देयर इन्वेस्टमेंट एमिड डाउट ओवर द पेस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी. अभी तक मई के बाद से जो स्टॉक मार्केट थी वो पॉजिटिवली मूव कर रही थी. दैट वाज एक्सपर्ट का ये कहना था कि अचानक से सडनली जो स्टॉक मार्केट है वो इकोनॉमिक फंडामेंटल को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रेक्शन में जा रही थी. चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस परचेजिंग इंडेक्स हो, चाहे वो जीएसटी कलेक्शन हो, इसके बावजूद भी जो मार्केट थी वो पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही थी. सो फाइनली ऑन दिस वीक इक्विटी हैव रजिस्टर्ड देयर बिगेस्ट वीकली ड्रॉप एवर सिंस मे. And in that case, both foreign as well as domestic investors has been seen pulling out back their investment, back their money because of the uncertainty over economic recovery. जैसा कि हम सभी जानते हैं, even experts ने भी warn किया है कि अगर यही situation रही contraction की, GDP 20 से ऊपर से contract कर रही, तो आगे आने वाली situation India की stagflation की situation हो सकती है. और लोकलाइज्ड लॉकडाउन की वजह से भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम हुई भी हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला. हालांकि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जीएसटी कलेक्शन, टोल कलेक्शन, इन सब में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट या पॉजिटिव वेव रजिस्टर करी गई है, बट दैट इज़ नॉट वेरी मच सफिशियंट इन ऑर्डर टू रिवाइव द इकोनॉमी. दैट इज़ वाई फॉरेन इन्वेस्टर वर ऑल्सो पुलिंग बैक देयर इन्वेस्टमेंट. और अगर हम बात करें सडनली ऐसा एकदम से ये सेलिंग का जो ट्रेंड था, सेल ऑफ का ट्रेंड था, ये कैसे स्टार्ट हो गया. बेसिकली जैसे ही ये डेटा रिलीज हुआ कि इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया है 23.9% से इन द जून क्वार्टर, उसके बाद से ही ये सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया. और उस सेलिंग ट्रेंड बढ़ते बढ़ते फाइनली इस पर्टिकुलर वीक में बहुत ज़्यादा ड्रॉप की सिचुएशन में पहुंच गया. तो एक्सपर्ट का ये कहना था कि फाइनली जो अभी तक जो स्टॉक मार्केट था इकोनॉमिक फंडामेंटल के अगेंस्ट वर्क कर रहा था, अब वो अपनी प्रीवियस सिचुएशन में आ गया है. नाउ इंडियन मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट इज रिफ्लेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन इनटू द जीडीपी ऑफ इंडियन इकोनॉमी. एक्सपर्ट का यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या इसके बाद और ज़्यादा डाउन होगी स्टॉक मार्केट. Then to some experts are saying that they cannot rule out that there may be further weaknesses, but number of experts are saying that बहुत बड़ा big crash देखने को नहीं मिलेगा, but still there could be more weaknesses into the upcoming time. Number of experts are saying that rally may not fizzle out, but in near term there can be some more profit taking. However, India has outperform most emerging market, hence a small correction is warranted and should be viewed as a healthy sign since rotation is always good for long term strength in the market, said by Amit Shah, the head of Indian equity research BNP Paribas. तो एक्सपर्ट का भी मिक्स्ड अप्रोच है इस चीज़ को लेकर के. हालांकि एक यूनानिमस कंसेंसस इस चीज़ पर ज़रूर है कि कोई बिग क्रैश देखने को नहीं मिलेगा, और जो लिक्विडिटी कंडीशंस ग्लोबली, जो ग्लोबल लिक्विडिटी कंडीशन है, दैट कुड बी क्वाइट फेवरेबल. सो दिस इज़ द ट्रेंड ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया. एक्सपर्ट आर स्टिल वेरी कॉशियस वेदर दिस इज़ अ पॉज और द एंड ऑफ ड्रीम रन. दो इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया हैज़ आउट परफॉर्म इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज. जैसा कि हम देख सकते हैं, इंडिया ओनली इमर्जिंग इकोनॉमी टू गेट पॉजिटिव फॉरेन फ्लो into this quarter, चाहे वो साउथ कोरिया हो, साउथ अफ्रीका हो, ब्राज़ील हो, इंडोनेशिया हो, इन सब के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं इंडिया ने केवल पॉजिटिव फॉरेन फ्लो रजिस्टर किया है. सो इंडिया इज़ परफॉर्मिंग वेल, बट अभी रीसेंट वीक में और इस पर्टिकुलर वीक में जो ड्रॉप था वो
3% का ड्रॉप देखने को मिला, तो ये ड्रॉप आगे कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर एक्सपर्ट डिवाइडेड हैं। बट हाँ, एक बात पे श्योरिटी है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द बिग क्रैश। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 2, इंडियन INCs mirror GDP contraction in quarter 1। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो बहुत कुछ या एक क्वार्टर या कुछ क्वार्टर लेट माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में रिफ्लेक्ट होते हैं। इट इज़ नॉट ऑफन दैट मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी मूव टुगेदर एंड मिरर ईच अदर, मोस्टली द लेटर एक्ट रिएक्ट्स विद सम लैग। तो जब जो बड़ी इकोनॉमी में जो बड़े फैक्टर्स होते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं उनका इम्पैक्ट माइक्रो इकोनॉमी में थोड़ा देर बाद या थोड़े टाइम बाद या सम टाइम लैग के बाद देखने को मिलता है। बट इन दिस क्वार्टर, इन अप्रैल एंड जून क्वार्टर, दैट इज क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021, इंडियन INC नंबर्स हैव परफेक्टली मिरर द कंट्रीज मैक्रो इकोनॉमिक हेडलाइन। एंड व्हाट इज कंट्री मैक्रो इकोनॉमिक हेडलाइन? कॉन्ट्रैक्शन अप टू 23.9% इन GDP। GDP में इस क्वार्टर में 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया, और ये सबसे जितने प्रोजेक्शन से उन सारे प्रोजेक्शन से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है। मैक्सिमम जो प्रोजेक्शन रजिस्टर किया गया था वो 10% 11% तक का रजिस्टर किया गया था बाई ऑल रिसर्च और कंसल्टेंसी फॉर्म्स, बट इंडिया के क्वार्टर वन में इतना बड़ा एक्सपेक्ट कॉन्ट्रैक्शन किसी भी रिसर्च कंसल्टेंसी फॉर्म ने रजिस्टर नहीं किया था या प्रोजेक्ट नहीं किया था। कम बैक टू दिस न्यूज़, तो इस कॉन्ट्रैक्शन, सो दिस न्यूज़ इज़ टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स विद इन लिटिल टाइम लैग। जनरली ऐसा होता है कि जो मैक्रो इकोनॉमी में जो भी इम्पैक्ट होता है, GDP कॉन्ट्रैक्ट होती है, GDP बढ़ती है, तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे या उनके परफॉर्मेंस पे लेटर ऑन दिखता है। बट इस बार ऐसा हुआ है कि जो क्वार्टर वन में इंडिया में जो GDP कॉन्ट्रैक्ट करी है 23.9% से, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या उनकी परफॉर्मेंस पर दिखने लगा है या इसी क्वार्टर में दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? जैसे कि कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2000 लिस्टेड फर्म्स वॉज डाउन टू 24.3% ईयर ऑन ईयर ड्यूरिंग क्वार्टर वन। तो जो 2000 लिस्टेड कंपनीज थी उनका रिवेन्यू भी 24.3% तक डाउन हुआ है क्वार्टर वन में, जैसा कि हमारी GDP में हुआ। GDP भी हमारी 24% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है, वैसे ही जो अर्निंग्स हैं, रिवेन्यूज़ हैं कंपनीज़ के, लिस्टेड कंपनीज़ के, फॉर्म्स के, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 24% से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। एंड दैट इज़ अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ कंट्रीज मैक्रो इकोनॉमिक हेडलाइन। एट करंट प्राइसेस GDP was down to 20.6%, doing better than Indian INCs. However, in contrast, Indian INCs underperformed the growth in headline GDP by a significant margin. लेकिन अगर करंट प्राइस की बात करें तो GDP की परफॉर्मेंस कंपनीज के परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी दिख रही है या दिखती है, और वहीं इंडियन INCs जो है उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू हेडलाइन GDP बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन। अगर हम बात करें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका रिवेन्यू कितना फॉल किया, तो कंबाइंड कॉरपोरेट रिवेन्यू वर जस्ट 1% इन फाइनेंशियल ईयर 20 अगेंस्ट द 3.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइस। तो GDP और कंपनीज के रिवेन्यू, जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके रिवेन्यूज क्लियरली रिलेटेड, देखिए जितना GDP फॉल कर रही है उतना ही कंपनीज़ का रिवेन्यू फॉल कर रहा है। हालांकि करंट प्राइस एक नॉमिनल होता है, करंट प्राइस होता है, आपको पता होगा GDP मेजर करने का तरीका नॉमिनल GDP और रियल GDP। तो करंट प्राइस के बेसिस पर अगर हम GDP को देखें, नॉमिनल GDP की बात करें, तो उसमें GDP कुछ ज़्यादा प्रोग्रेसिव दिखती है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए, या इंडियन इकॉनमी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रही है इन कंपेरिजन टू इंडियन इनकॉरपोरेशंस। However, contraction in manufacturing and service sector was worse. Combined net sale of approximately 1,821 firms excluding bank, non-bank lenders and oil and gas companies was down to 27.44% in year-on-year basis in quarter one.
सो दिस इज़ अ वेरी रेयर फिनोमिना कि माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी इकोनॉमी के मैक्रो फैक्टर्स को इमीडिएटली फॉलो अप कर रहे हैं. जनरली ये थोड़ा फॉलो अप लेट में होता है. अगर हम ट्रेंड्स की बात करें रिवेन्यू ग्रोथ की, तो वी कैन ईजली सी कि जो इतनी भी फर्म्स हैं उन फर्म्स का रिवेन्यू सडनली फॉल किया है, निगेटिव टेरिटरी में गया है. आप देख सकते हैं दैट ब्लू लाइन इंडिकेट द ग्राफ फॉर ऑल फर्म्स, वेयर एज रेड लाइन इंडिकेट द एक्स फाइनेंशियल एंड ऑयल एंड गैस कंपनीज. तो आप देख सकते हैं निगेटिव टेरिटरीज, दोनों ही तरह की कंपनीज का जो रिवेन्यू हुआ है ऑन ईयर बेसिस जो परसेंटेज चेंज आया है दैट इज निगेटिव एंड द शीयर इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 रिलेटेड इकोनॉमिक लॉकडाउन. और अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो उसमें भी हम देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में निगेटिव टेरिटरी में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला, चाहे वो कंबाइंड ग्राफ देखें आप, चाहे वो एक्स फाइनेंशियल ऑयल एंड गैसेस का ग्राफ देखें. -54.8 से लेकर के -89.6 तक फॉल किया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑन ईयर परसेंटेज चेंजेस. एंड इफ यू टॉक अबाउट द वर्स्ट परफॉर्मिंग एंड द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इन दिस जून क्वार्टर, द क्वार्टर वन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 20 और 21, तो हम देख सकते हैं जो फाइव बेस्ट सेक्टर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, एटलीस्ट पॉजिटिव पीबीटी देखने को मिला है, वो है शुगर, बैंकिंग, कमोडिटी ब्रोकर, शिपिंग एंड टेलीकॉम सर्विसेज. वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर एज वी कैन ईजली एक्सपेक्ट एयरलाइंस, मीडिया, जेम्स एंड ज्वेलरी, रिटेल्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट. ये तो बहुत आप जनरली इसको या ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एयरलाइन, रेस्टोरेंट्स, रिटेल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड 19. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 2, फंडिंग स्टार्टअप्स अ चैलेंज फॉर बैंक्स. रिसेंटली आरबीआई ने जो डिसीजन लिया है जिसमें स्टार्टअप्स, वो सारे स्टार्टअप्स जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स में आते हैं, उन सारे स्टार्टअप्स के लिए 50 करोड़ तक का जो लोन है उसको प्रायोरिटी सेक्टर पीएसएल लेंडिंग में डाल दिया है आरबीआई ने. इस मूव को बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स से, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स ने, एक्सपर्ट ने वेलकम किया है. बट उनका अपना एक कंसर्न ये भी है कि हालांकि आरबीआई ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर ये जो डिसीजन है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी ईजी टास्क, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होने वाला. क्यों? क्योंकि बैंक्स इस पैंडमिक की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रिस्क अवर्सिव अप्रोच अडॉप्ट किए हुए हैं and they are struggling with high non-performing assets. जो already NPAs banks के बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से banks जो हैं startups को, even initial startup, budding startups को loan देने में या lending करने में बहुत ज़्यादा careful approach adopt करेंगे, कंजर्वेटिव अप्रोच अडॉप्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर हम इनिशियल स्टार्टअप्स की बात करें तो इट इज़ अ हाई सेगमेंट, हाई रिस्क सेगमेंट स्टार्टअप. जो यंग इन्वेस्टर्स हैं एक्चुअली दे डोंट हैव एनी कोलेट्रल टू ऑफर फॉर असेसिंग द लोन क्रेडिट वर्दीनेस. जो बडिंग इन्वेस्टर्स हैं, यंग इन्वेस्टर्स हैं जो इस सेगमेंट में, प्रायोरिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, उस केस में वो यंग इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास जनरली कोलेट्रल नहीं होता. जब कोलेट्रल नहीं होता तो दैट कॉन्स्टिट्यूट द हाई रिस्क सेगमेंट लोन फॉर बैंक्स. अगर कोई भी जो लोन टेकर है, बोरोवर्स है, वो कोई कोलेट्रल नहीं दे रहा है बैंक्स को अपने उस लोन के एवरेज में या लोन्स के बदले, तो उस लोन को, वो लोन बैंक के लिए बहुत हाई रिस्क लोन होता है. क्यों? क्योंकि बैंक्स के पास कोई कोलेट्रल भी नहीं होता जिसको बेच करके वो लोन रिकवर कर पाए, और इस बात के चांसेस भी बहुत कम होते हैं कि जो जिस बिज़नेस के लिए लोन दिया गया है वो बिज़नेस एक वायबल बिज़नेस में कन्वर्ट हो भी या नहीं, क्योंकि कोविड 19 की सिचुएशन चल रही है. ऑलरेडी जो सक्सेसफुल बिज़नेस थे, जो बहुत अच्छे वायबल बिज़नेस थे, वो भी इस सिचुएशन में काम नहीं कर पा रहे हैं. तो एक यंग वेंचर्स एक नए आइडिया के साथ आकर के विदाउट एनी कोलेट्रल बैंक से लोन लेकर जा रहे, तो बैंक्स आर क्वाइट रिस्क अवर्सिव एंड दे आर अडॉप्टिंग द कंजर्वेटिव अप्रोच इन ऑर्डर टू लेंड द लोन टू दोज यंग वेंचर और यंग एंटरप्रेन्योर्स. बैंक्स हाउ एवर बिलीव दैट आरबीआई मूव्स हैज प्रोवाइडेड देम अ स्टेपिंग स्टोन टू कैटर द नीड ऑफ फंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर दिस सेगमेंट्स. अगर आप टॉप मैनेजमेंट से, बैंक कमर्शियल बैंक्स के टॉप मैनेजमेंट से पूछें, तो दे वर सेइंग कि ओके, बैंक ने बहुत, आरबीआई ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है. इस डिसीजन के तहत जो ऐसे सेक्टर्स हैं, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर एक्चुअली फंडिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, उन सारे सेक्टर को बूस्ट मिलेगा. बट वैन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, वैन इट कम्स टू एक्चुअल
actual allocation of loan or actual disbursement of loans, banks are quite hesitant to lend into high risk segment. While the classification of startups among RBI priority sector from a lending perspective is likely to be the good move, but in long term it may only benefit the established startups, aisa expert ka kehna hai. क्योंकि बैंक नए जो यंग वेंचर कैपिटलिस्ट आ रहे हैं या जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जिनके पास ऑफर करने के लिए कोई कोलैटरल नहीं है, तो ये बहुत कम चांसेस है कि कमर्शियल बैंक्स उनको लोन दें. कमर्शियल बैंक्स उनको लोन नहीं देंगे तो क्या होगा, जो लोन 50 करोड़ का है वो ऐसे स्टार्टअप्स को मिलेगा जो ऑलरेडी थोड़े इस्टेब्लिश हो चुके हैं. तो इससे एक्सपर्ट का ये कहना है कि नए स्टार्टअप्स को लाने में या नए बिजनेस डेवलप करने में RBI के इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलने वाली. हाँ, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप्स हैं, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं या जो वाइबल दिख रहे हैं, उनको बैंक्स लेंड करने में थोड़ा सा कम रिस्क एवर्सिव अप्रोच अडॉप्ट करेंगे. तो एक्चुअली लॉन्ग रन में इससे केवल वही स्टार्टअप्स बेनिफिट होंगे RBI के इस मूव से जो कि ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश हैं. नए स्टार्टअप या नेसेंट या बडिंग स्टार्टअप्स को इस तरह के या सीड स्टार्टअप को, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को RBI के इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला. अगर हम नंबर्स की बात करें तो हार्डली 10 जो स्टार्टअप्स होते हैं हाई रिस्क बिजनेस, उसमें से केवल एक ही स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन. दैट इज़ वाई अगर बैंक लेंड कर भी देते हैं इस हाई रिस्क सेगमेंट में तो बहुत ज़्यादा इस बात के चांसेस हैं कि वो NPA की में ही बन जाए, आगे जा करके वो स्टार्टअप्स NPA बन जाएंगे, बैंक्स के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएंगे, बैड लोन हो जाएंगे, बैंक्स उनको रिकवर भी नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि उनके पास कोई बैंक्स के पास कोई कोलैटरल होगा ही नहीं उस हाई रिस्क सेगमेंट के लिए. तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि डेफिनेटली इट इज़ अ गुड मूव, बट ऑन इम्प्लीमेंटेशन हाउ RBI इज गोइंग टू एक्चुअली गिव अ बूस्ट टू द न्यू और सीड और अर्ली स्टेज स्टार्टअप, इट्स अ स्टिल क्वेश्चन मार्क. और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेल स्टैब्लिश स्टार्टअप्स हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी जो RBI ने लाई है, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है होगी जिसके क्या करेंगे, वो अपने वर्किंग कैपिटल के लोन ले लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश हैं. दे विल टेक लोन फॉर देयर वर्किंग कैपिटल बिकॉज दे हैव द कोलैटरल. जो स्टैब्लिश स्टार्टअप्स हैं जैसे यूनिकॉर्न्स हो गए, उनके लिए ऑलरेडी दे हैव कोलैटरल, दे हैव गुडविल, दे विल ईजली गेट लोन फ्रॉम ऑल कमर्शियल बैंक्स और वो उससे अपने वर्किंग कैपिटल की जो नीड है उसको फुलफिल करेंगे और वो फ्लॉरिश करेंगे. नए और सीड जो अर्ली स्टेज के स्टार्टअप्स हैं या कोई इनिशियल स्टार्टअप्स या सीड स्टेज पे बडिंग स्टार्टअप्स जो हैं, उन पर कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ने वाला RBI के इस डिसीजन से, और ना ही इससे कोई भी ऐसा वेव आएगी कि स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स मिले या जो स्मॉल स्केल सेक्टर है या बिजनेस है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिले RBI के इस डिसीजन से, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है. सो दीज आर द सम की पॉइंट्स और की टेक अवे. जैसा कि हमने डिस्कस किया, मोस्ट स्टार्टअप स्पेशली अर्ली स्टेज वंस हैव नो कोलैटरल. इफ दे डोंट हैव एनी कोलैटरल दे डोंट गेट एनी लोन. लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन व्हेन दे विल बिकम द कैश फ्लो पॉजिटिव. जो अर्ली स्टेज या सीड स्टेज के स्टार्टअप्स हैं, ये भी बैंक्स को नहीं पता होगा कि एक्चुअली ये कब लोन रीपेमेंट करेंगे, कब ये स्टार्टअप्स कैश पॉजिटिव होंगे. दैट इज़ वाई बैंक जो होंगे वो उनको लोन नहीं देंगे, बहुत कम इस एरिया में बहुत कम लोन डिसबर्समेंट होगा. जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपनी पर्सनल गारंटी भी नहीं देंगे. जब वो पर्सनल गारंटी भी नहीं देंगे, कोलैटरल्स भी नहीं देंगे, इस बात की भी बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है कि उनका बिजनेस कब पॉजिटिव कैश फ्लो में टर्न अप होगा. तो ये बात के रेयर चांसेस हैं कि जो बैंक्स हैं कमर्शलाइज बैंक्स, वो एक्चुअली में अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को या इनिशियल स्टार्टअप्स को या सीड स्टार्टअप्स को लोन दें, क्योंकि बैंक्स को रीपेमेंट मैकेनिज्म पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. वोडास नो इक्विटी प्लान आफ्टर डिकेड ऑफ वॉशआउट. वोडाफोन हैज़ रिटन ऑफ नियरली $20 billion इन वेरियस फेजेस ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इंडियन इन्वेस्टमेंट बोथ इन वोडाफोन इंडिया एंड आफ्टर इट्स मर्जर विद आदित्य बिरला ओन आइडिया सेलुलर. अगर आपको याद हो तो हमने बहुत पहले न्यूज़ को डिस्कस किया था कि जो वोडा की PLC है, UK पेरेंट कंपनी है, उसने अपने वोडाफोन आइडिया के इंडिया के सारे जो शेयर्स थे, स्टेक्स थे, उनको ज़ीरो वैल्यू कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया है ज़ीरो में. और रिसेंटली हमने ये भी डिस्कस किया है कि वोडाफोन PLC ने ये भी डिसीजन लिया दैट वोडाफोन PLC इज़ नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट एनी इन्वेस्टर, इज़ नॉट रेडी टू एंटर एनी अदर फर्दर इन्वेस्टमेंट इनटू वोडाफोन
Idea, and this is even higher than what UK Telecom Jian paid to acquire Hutch SR back in 2007 as it begins its tariffs with India. So Vodafone PLC ने approximately $12 billion return off कर दिए हैं into various phases on account of its India investment. और expert का ये कहना है कि ये amount जो return off हुआ है approximately $12 billion का, this is even more than what UK Telecom have paid to acquire the Hutch. अगर आपको याद हो तो Hutch SR को acquire किया था 2007 में जब इंडिया में एंटर कर रही थी. इवन एक्सपर्ट का कहना है कि अप्रॉक्सीमेटली $16.7 billion का इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने कंट्री में, बट इससे हार्डली कंपनी ने कोई रिटर्न एक्वायर किया है फॉर देयर यूके शेयर होल्डर्स. कंपनी का कहना है कि $16.4 billion का इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया की इंडिया सब्सिडियरी में कर चुकी है, बट यूके इन्वेस्टर्स को कोई भी रिटर्न नहीं मिला है इतने बड़े लार्ज इन्वेस्टमेंट के बाद. सो ऑन दिस फ्राइडे वोडा ग्रुप पीएलसी मेड इट वेरी क्लियर वंस अगेन दैट इट विल नॉट पुट एनी मोर मनी इनटू वोडा आइडिया एंड वॉट एवर द इन्वेस्टमेंट दे हैव मेड इनटू वोडा आइडिया दैट इज रिटर्न ऑफ टू द जीरो. And this statement came just few hour after the joint venture in a board meeting on same day announced that it would be looking for a fresh infusion of funds including equity worth ₹25,000 crore. अगर आपको याद हो तो वोडाफोन आइडिया की जो इंडियन कंपनी है वो 25,000 crore का फंड रेज करने वाली है, जबकि वोडाफोन पीएलसी ने इससे क्लियरली हाथ खड़े कर दिए और कहा कि दैट कंपनी इज़ नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट एनीथिंग इनटू दिस बिजनेस और इवन नॉट गोइंग टू अलाउ टू एंटर एनी अदर इन्वेस्टमेंट ऑन देयर शेयर होल्डिंग. तो अब ये जो इंडियन कंपनी है पेरेंट कंपनी आईडिया आदित्य बिरला, इसके लिए इट्स वेरी चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग है कि वो इतना बड़ा फंड कैसे रेस 25,000 crore का फंड एक्चुअली कैसे रेस कर पाती है और कैसे वोडाफोन आइडिया को रिवाइव कर पाती है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से एक रे ऑफ होप तो दिख ही रही है वोडाफोन आइडिया को, बट इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर वोडाफोन आइडिया टू कम इन टू सागा अगेन. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप. नाउ एयरटेल कम्स अप विद ₹499 plan. So on the heels of Reliance Jio offering cheap broadband services, Bharti Airtel on Sunday launched its unlimited broadband plan starting with ₹499 per month. तो अब ब्रॉडबैंड की मार्केट को टैकल करने की बात हो रही है जियो रिलायंस जियो के ऑफर के बाद में. अब जो अदर कंपनीज हैं जो जस्ट लाइक एयरटेल एंड वोडाफोन, ये भी अपने कुछ नए ऑफर लेकर आएंगे इन ऑर्डर टू टैकल द और कैटर द नीड ऑफ ब्रॉडबैंड इनटू इंडियन टेलीकम्युनिकेशन मार्केट, जिसमें भारतीय एयरटेल कई सारे प्लान्स को लेकर आई है. पहला प्लान जो चीपेस्ट प्लान है वो अप्रॉक्सीमेटली ₹499 से स्टार्ट होगा. इसके बाद कई सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज, इंटरनेट स्पीड और डिफरेंट डिफरेंट अदर्स ओटीटी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी भारतीय एयरटेल. सो जियो को टैकल करने के लिए भारतीय एयरटेल ने भी अपना भी स्ट्रैटेजिक मूव ले लिया है इनटू ब्रॉडबैंड सर्विसेज. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप. लैब्स बेट ऑन कोविड टेस्ट फॉर नेक्स्ट ग्रोथ फेज. Diagnostic chains are now pinning hopes on the bouquet of COVID tests as a steady stream of revenue and not just for the coming quarter. तो जितनी laboratories, companies हैं, diagnostic chains हैं, they are now using or they are not considering COVID test kit or COVID test bouquet services as a stable stream of revenue for upcoming years, not for upcoming quarters. So non-COVID measures these laboratories claimed are back to 80% of their January level. तो जो non-COVID related revenue था, means ऐसी diagnostic tests जो कि COVID से related नहीं है, उनसे आने वाला revenue January month के बराबर आ चुके, 80% के बराबर आ चुका है. मतलब आप कह सकते हैं कि प्री कोविड के पहले जो लेवल था उसका 80% अचीव कर चुके हैं. लेकिन जितनी भी डायग्नोस्टिक चेन है वो अभी भी ये कह रही है कि कोविड टेस्ट से जो उनको रिवेन्यू, जो कोविड बुकिंग ऑफ कोविड टेस्ट किट्स जो थी उससे जो उनको रिवेन्यू हुआ, जनरेट हुआ, वो आगे आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेगा, नॉट फॉर इवन क्वार्टर बट फॉर इवन ईयर्स. तो नाउ दे आर कंसिडरिंग कोविड टेस्ट एज अ स्टेबल स्ट्रीम फॉर रिवेन्यू. तो जितनी भी डायग्नोस्टिक कंपनीज है, डायग्नोस्टिक चेन्स है, दे आर नाउ प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर मोर एंड मोर कोविड 19 रिलेटेड
टेस्ट। अब देख लेते हैं समदर न्यूज क्लिप। नॉन legible ad disclaimers will be treated as misleading draft term. The government has came out with the comprehensive set of draft guidelines on advertising under the disclaimer that are not easily noticeable or legible or easily understandable to the ordinary consumer will be treated as misleading advertisement under the Consumer Protection Act. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए गवर्नमेंट एक नया ड्राफ्ट बना रही है, जिस ड्राफ्ट में बेसिकली उन एडवर्टीजमेंट को लेकर के गाइडलाइंस आएगी कि कौन से एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग कहे जाएंगे। तो ऐसे सारे एडवर्टीजमेंट या ऐसे सारे डिस्क्लेमर्स जो कि कंज्यूमर को पढ़ने में ना बहुत छोटे छोटे, आपने देखा होगा ना इंश्योरेंस पॉलिसीज के में जब डिस्क्लेमर्स लिखे तो बहुत छोटे छोटे लिखे होते थे, पढ़ने के लिए आपको वो माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। तो इस तरह के जो डिस्क्लेमर्स हैं या ऐसी इंग्लिश में वर्ड्स या इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख लेना कि वो ऑर्डिनरी पर्सन को समझ में ना आए, या इतने ब्लर्ड मैनर में लिख देना कि वो क्लियर दिखे ही ना, विजिबल ना हो, तो ये सारे जो डिस्क्लेमर इस तरह के जो कंपनीज डिस्क्लेमर यूज़ करती हैं, जैसे कि टोबैको कंपनीज यूज़ करती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज यूज़ करती हैं डिस्क्लेमर कि बस डिस्क्लेमर है, वो पढ़ने में आ रहा है या नहीं आ रहा ये अलग बात है। तो इस तरह के जो डिस्क्लेमर्स हैं वो भी अब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की कैटेगरी में आएंगे एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन Act, and the violation of all these guidelines would face action by recently established Center Consumer Protection Authority CCPA के अंतर्गत इस तरह के disclaimer डालने वाली जितनी भी companies होगी उनके against legal action लिया जाएगा। तो अभी जो draft guidelines हैं उसमें Consumer Affairs Ministry ने इस particular draft पर public comments मांगे हैं by September 18। और अब इस वाले ड्राफ्ट में जो इंडोर्सर्स होते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं उन पर भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई जाएगी। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो इंडोर्सर्स होते हैं, जो एक्टर्स प्लेयर्स जो इंडोर्स करते हैं प्रोडक्ट को, उन पर भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करी जाएगी। किसी भी प्रोडक्ट को इंडोर्स करने से पहले उनको पूरे उस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह के कई सारे प्रोविजंस डाले जा रहे हैं इनटू द न्यू ड्राफ्ट गाइडलाइन ऑन एडवर्टीजमेंट। तो हो सकता है फाइनल ड्राफ्ट इससे थोड़ा सा अलग हो, बट फिलहाल के लिए जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं उनमें ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। जब ये ड्राफ्ट फाइनली कन्वर्ट होकर के आ जाएगा देन इट रूल्स रेगुलेशंस के फॉर्म में, देन वी विल डिस्कस इट दिस इनटू डिटेल्स। आज की न्यूज़ ऑफ द डे, रिवाइज टैक्स पैक्ट्स एमएनसीज ऑन टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसमें आप एडवांस प्राइसिंग मैकेनिज्म, ट्रांसफर प्राइसिंग, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। पिछले 2000 फाइनेंशियल 2019-20 में गवर्नमेंट ने कितने एपीए साइन किए हैं, रिवाइज टैक्स पैक्ट्स क्या होते हैं, कंपनीज़ को इनसे क्या बेनिफिट होता है, टैक्स अथॉरिटीज़ को क्या बेनिफिट्स होता है, ये थोड़ा सा आप डिटेल में देख सकते हैं। दीज आर द रेफरेंसेज। You can follow me on Telegram, Twitter, ResearchGate and on Facebook. For lecture PDF, you can join my Telegram channel. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.